कक्षा छात्राओं को मनीष कुमार नेमा का नमस्कार। कल 12वीं कक्षा के परीक्षार्थी हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं। कल उनको OMR उत्तर पुस्तिका मिलनी है। उस उत्तर पुस्तिका को भरने के लिए आपका एक प्रैक्टिस सेशन, एक ट्रायल सेशन के लिए मैं यहाँ पर आपकी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ भाग को लाया हूँ। आपको कल परीक्षा में 180 मिनट मिलने हैं, यानी 3 घंटे मिलने हैं, 9 बजे से 12 बजे तक। यदि आप इसी OMR को भरने में देर लगाएंगे तो आपका समय खराब होगा, जबकि हिंदी के पेपर में बहुत लिखना पड़ता है। आइए जल्दी से सीख लें कि आप कल OMR किस तरीके से भरेंगे बहुत जल्दी। तो सबसे पहले आप लेफ्ट साइड देखिए, ये आपका पृष्ठ भाग है OMR का। इसके पिछला भाग भी आपको मिलेगा, लेकिन पिछले भाग में आपको कुछ नहीं लिखना है, कुछ नहीं करना है। बस यदि आप पे कुछ पृष्ठ भाग में नहीं बन रहा है तो पिछले भाग में आप देखेंगे, मैं दिखाऊंगा आपको। चलिए, तो ये आपके पृष्ठ भाग का लेफ्ट हैंड साइड है, और इस लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले आपको लिखना है विषय। तो आप कल विषय लिखेंगे हिंदी। अब आपका दूसरा कॉलम है विषय कोड। तो कल विषय कोड जो है वो आपका 051 है। इस तरीके से आप इन ब्लॉक में भर देंगे, 3 ब्लॉक दिए, इस तरीके से भर देंगे। फिर आएगा परीक्षा दिनांक। परीक्षा दिनांक को आप इस तरीके से लिख देंगे 020323, यानी 2 तारीख मार्च का महीना और 2023 सन है। किसी से पूछने की आवश्यकता आपको नहीं है, समय खराब ना करें, बहुत अच्छे से आप OMR का पृष्ठ भाग भरें। फिर आता है उत्तर देने का माध्यम। तो जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं वो हिंदी लिख देंगे, और जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं वो अंग्रेजी लिख देंगे। ध्यान दें, अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी विषय हिंदी का पेपर दे रहे हैं, लेकिन उनका माध्यम अंग्रेजी ही लिखा जाएगा, और हिंदी का विषय का पेपर हिंदी माध्यम वाले दे रहे हैं तो उनका माध्यम हिंदी ही होगा। माध्यम से यहाँ पर विषय का कोई मतलब नहीं, विषय अलग है, माध्यम अलग है। तो अंग्रेजी माध्यम वाले अपने माध्यम को अंग्रेजी लिखे, भले ही वो हिंदी का पेपर दे रहे हैं, और हिंदी माध्यम वाले तो हिंदी ही लिखेंगे। चलिए, अब आता है प्रश्न पत्र का सेट। तो कल आपको परीक्षा कक्ष में ABCD 4 सेट उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें पहले विद्यार्थी को ए, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद सी और डी सेट का वितरण किया जाएगा। सेट वितरण में सभी पर्यवेक्षक और परीक्षा केंद्र अध्यक्ष इस बात का ध्यान रखें कि ये सेट आप एक ही टेबल पर दोनों एक परीक्षार्थियों के एक से ना हो। आज माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इसका एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है, सेट डिफरेंट ही हो। चलिए, तो आपको जो सेट मिले आप वहां पर, यहाँ पर सॉरी, यहाँ हिंदी भरेंगे, यहाँ पर आप विषय कोड भरेंगे, फिर परीक्षा का दिनांक भरेंगे, फिर आप अपना माध्यम भर देंगे, फिर आएगा सेट। आपको यदि ये सेट मिला तो ए, बी मिला तो बी, और जो सेट मिला है आपको वो भर देना। ये आपकी जानकारी होगी इधर की। अब आइए मेन जानकारी पर। सबसे पहले आपको मिलेगा यहाँ पर ब्लॉक। ये ब्लॉक देख रहे हैं, इन ब्लॉक में आपको अपना नाम लिखना है। नाम छोटे अक्षरों में लिखना है, बड़े अक्षरों में लिखना है, किसी से नहीं पूछना। केवल और केवल आप अपने प्रवेश पत्र को खोलकर सामने रख लीजिए। जैसी स्पेलिंग, जैसे लेटर उसमें बने हैं, इन ब्लॉक में वैसा ही लिख दें। इस एक बात का ध्यान रखें, यदि आपका नाम मनीष नेमा है तो आप MANISH लिखकर एक ब्लॉक को छोड़ देंगे, और फिर अपना सरनेम NEMA लिख देंगे। यदि आपका नाम तीन भाग में, मान लो मनीष कुमार नेमा है, तो आप ऐसा मनीष लिखेंगे, एक ब्लॉक छोड़ के कुमार लिखेंगे, एक ब्लॉक छोड़ के फिर नेमा लिख देंगे। इस तरीके से आप लिख देंगे। अब देखिए गोलाकारी कैसे करना है। सुविधा के लिए गलती ना हो तो आप क्या करें, जो अक्षर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है M, तो इस लाइन में जहां भी M है उस पर एक छोटी सी बिंदी लगा दीजिए। सारे अक्षर जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं ना, उनके लाइन के अक्षरों को छोटी छोटी बिंदियां रख लीजिए पहले, फिर गोला काला करिएगा। क्या होता है कि हम गोला काला कर लेते हैं और हमें पता चला कि हमें इस लाइन में मान लीजिए N को डार्कन करना था, है ना, और हमने कर दिया M को डार्कन। अब डार्कन जब हो जाता है, काला हो जाता है गोला, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। इसलिए पहले आप छोटी छोटी बिंदी लगा लें, फिर आप इस तरीके से जहाँ M है उसको ऐसा आप गोला काला कर देंगे। ये देखिए, A को इस तरीके से काला कर देंगे, N कर दिया, I कर दिया, S कर दिया और H। ये आपका मनीष का जो है पूरे गोले काले उस लाइन के हमने कर दिए जो अक्षर में दिखाई दे रहा था। N सर्किल डार्कन आप अच्छे से करें, ताकि आपकी स्कैनिंग जो है उत्तर पुस्तिका की पृष्ठ पेज की अच्छे से हो और नाम में कोई गड़बड़ी ना हो। यदि आप इसमें गलती करेंगे तो आपकी इंफॉर्मेशन गलत हो जाएगी और अब फिर आपको बहुत असुविधा का सामना करना पड़ेगा। अब आगे लिखा नेमा, तो इसी तरह आप नेमा को भी जहाँ N लिखा है उसमें गोला काला कर देंगे। ये रहा N,
ये एल एम एन इसको को उला काला कर देंगे, फिर ई कर देंगे, फिर एम कर देंगे, फिर ई, और आपकी ये सूचना बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगी। कोई भी गलती ना करें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, आराम से भरें। 12वीं के केवल हिंदी के पेपर में आपको यह OMR मिलनी है, बाकी फिर पेपरों में आपको साधारण उत्तर पुस्तिका 32 पृष्ठ की दी जाएगी। अब आता है रोल नंबर। ये रोल नंबर का कॉलम है, यहाँ पर 9 ब्लॉक बने हैं और आपका रोल नंबर भी 9 डिजिट यानी अंकों का है। इस तरीके से पहले आप रोल नंबर अपने प्रवेश पत्र में देखकर इस तरीके से भर लीजिएगा। जब ये भर जाए तो फिर मैंने कहा ना, जो ये 2 है तो इसमें 2 वाला जो आपका एल सर्किल है गोला है उस पर छोटी सी बिंदी रख लीजिए, आप अपने निशान बना लीजिए पहले, फिर 3 पर छोटा सा निशान बना लीजिए, फिर 2 पर बना लीजिए, फिर 5 पर, और इस तरीके से सब पर निशान बना लीजिए और फिर इन्हें काला कर दीजिए। इस तरीके से ये 2 काला कर दिया, ये 3 काला कर दिया, ये फिर 2, ये 5, ये 3, और ये 7, और ये 3, और ये 4, और ये 5। इस तरीके से हमने रोल नंबर के गोले भी काले कर दिए। अब देखिए आपके गोले काले हो गए हैं रोल नंबर के और नाम के। अब आता है विषय संख्या। तो मैंने यहाँ नेमा मैं नहीं किए गोले काले, आपको आपको करना है, मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि इसमें समय लगता है और बड़ी मुश्किल से प्रेजेंटेशन बनती है, तो इतना मैंने मनीष बता दिया। आप नेमा को भी इसी तरह से गोला काला करेंगे, मतलब जो आपका नाम होगा। अब आता है विषय संख्या। तो विषय संख्या है ना सब्जेक्ट कोड, ये आपके पेपर में आपके एडमिशन कार्ड में बिल्कुल विषय के सामने लिखा होता है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, ना कक्ष में आप हल्ला मचाए कि सर विषय कोड क्या है, फलाना क्या है, या कोई कुछ बताए, कुछ भी भरे, कुछ नहीं। आपको पूर्ण कौशल और संज्ञान से काम करना है और अपने प्रवेश पत्र को ही अपना आदर्श बनाकर सारी सूचनाएं उसमें भरनी है। तो विषय कोड आपका होगा 051, तो अपन 0 को काला कर देंगे, 5 को काला कर देंगे, 1 को काला कर देंगे। अब आता है केंद्र संख्या। अब फिर आप कहेंगे सर केंद्र संख्या क्या है, तो कुछ नहीं, फिर आप एक बार प्रवेश पत्र देखिए, प्रवेश पत्र में सेंटर कोड लिखा होगा, यहाँ पर मैंने सैंपल के तौर पर बताया है 25001, है ना, ये मेरे उत्कृष्ट विद्यालय दमोह का केंद्र क्रमांक है, तो मैंने उसको उदाहरण के स्वरूप बनाया, तो ये मैंने गोला काला कर दिया 2 का 5 का 1 का 00 का और 1 का, है ना। इस तरीके से ये गोले थोड़े बड़े हो गए हैं, चूंकि मैं इसमें PPT में थोड़ा सा साइज बड़ा हो गया गोले का, आप बिल्कुल जो गोला है उसके बाहर स्याही ना जाए, ऐसे गोले काले करेंगे। चलिए ये आपकी बस इतनी आपकी कार्रवाई बहुत संजीदगी से होना चाहिए ताकि आप बहुत अच्छे से सूचनाओं को माध्यमिक शिक्षा मंडल तक पहुंचा सके। इसमें कोई कोताही ना बरते, जो ना बने तो आप फिर पिछले भाग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछले भाग पे कुछ नहीं लिखना है, नहीं तो आप आगे वाला भी भरो और पिछले वाले भाग को भी भरने में जुट जाओ। आप बिल्कुल समय खराब मत करिएगा, आपको पृष्ठ भाग भरना, पिछला भाग आपको केवल गाइड करेगा कि आपको OMR कैसी भरनी है। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप पीछे जाकर देखिए कि कैसे भरना है और फिर आगे उसको इम्प्लीमेंट करिए। अब देखिए यहाँ पर आपको लिखना है विषय, तो आपको यहाँ पर आप लिखित सूचनाएं देनी, विषय में हिंदी लिख देंगे, स्कूल कोड एज पर एडमिट कार्ड, विद्यालय का कोड जैसा प्रवेश पत्र में दिया गया, तो ये प्रवेश पत्र में देखकर यहाँ भर दीजिएगा, अनुक्रमांक भरिए अपना और अनुक्रमांक को शब्दों में भी लिख दीजिएगा जी सर। इस तरीके से ये दिया है सब, किसी से कुछ पूछकर समय बर्बाद मत करना, पर्यवेक्षक को भी परेशान ना करें क्योंकि उन पर भी काफी जिम्मेदारी होती है, और अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा डाउट होता है तो उनसे परामर्श जरूर लें और उनसे परामर्श लेने के बाद ही आप OMR को भरिएगा। परीक्षार्थी का कक्ष क्रमांक है, जिस कक्ष में आप बैठे हैं उसका कक्ष क्रमांक लिख दीजिए, प्रश्न पत्र का सेट जो आपको मिला है यहाँ पर सेट लिख दीजिए, और अंत में वो हस्ताक्षर करिए आप जो आपने परीक्षा के फॉर्म भरते वक्त किए थे, हिंदी में या अंग्रेजी में जैसे किए थे वैसे ही यहाँ करना है। अगर आपने परीक्षा के फॉर्म में अंग्रेजी में किए तो अंग्रेजी में करिए, हिंदी में किए तो हिंदी में करिए, लेकिन वैसा ही करिए। और ज्यादा दिक्कत हो तो आपका जब राशा आएगा उपस्थिति पत्र उसमें देख लीजिएगा, फोटो के नीचे जैसे साइन हो वैसे यहाँ पर बना दीजिएगा। इस कॉलम में आपको कुछ नहीं करना है परीक्षार्थियों को, यह इन्विजिलेटर के काम का है, तो यहाँ पर पर्यवेक्षक भी अपने हस्ताक्षर कर देंगे, और डेट अगर नहीं डालना है मत डालिएगा डेट, क्योंकि डेट यहाँ पर इम्पोज है, परीक्षार्थी ने डाल रखी है, आप केवल हस्ताक्षर करिएगा, ठीक है। तो आप निश्चित रूप से OMR को भरना समझ गए होंगे। सभी परीक्षार्थियों को पुनः मेरी शुभकामनाएं, सभी लोग अच्छे से OMR को भरेंगे, अच्छे से पेपर देंगे। सभी परीक्षार्थी ध्यान से सुने, आपको कल 180 मिनट मिलेंगे परीक्षा में, कल नहीं हर पेपर में 180 मिनट मिलेंगे। टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखिए, क्योंकि क्या होता है हम पेपर लिखने में जुट जाते हैं और हमें कभी कभी ऐसा होता है टाइम कम पड़ता है, और हम अंत में जब पहुंचते हैं तो हमारी कॉपी छुड़ा ली जाती है और
फिर हमें लगता है कि हमारा एक प्रश्न छूट गया, दो प्रश्न छूट गया, तो आप अपनी घड़ी को सामने रखें और उस घड़ी के अनुसार देखते जाएं कि आपका पेपर का लिखने का आंसर लिखने की स्पीड और आपके टाइम जो है वो मिल रहे हैं कि नहीं। ऐसा ना हो कोई क्वेश्चन आप आंसर लिखने में मन लग जाए, निबंध लिखने में कोई आपको कुछ भी ऐसी चीजें आती हैं जिसमें हम बहुत समय लगा देते हैं, तो आप 180 मिनट का भरपूर उपयोग कीजिए, कल अपने आंसर्स को दीजिए। मैं कामना करता हूँ ईश्वर से कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो, आपको खूब खूब सफलता मिले। मेरे सारे विद्यार्थियों को एक बार पुनः शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।